झारखंड सरकार ने गिरिडीह जो जैन समाज के लिए श्रद्धा का स्थान है उसे पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया है। झारखंड सरकार के इस निर्णय का विरोध समूचे जैन समाज कर रहा है। हाल ही में झारखंड सरकार ने गिरिडीह को पर्यटन क्षेत्र के रूप में घोषित किया है। झारखंड सरकार के इस निर्णय का समूचे सकल जैन समाज विरोध कर रहा है। समाज का कहना है कि ये क्षेत्र हमारे लिए पवित्र श्रद्धा स्थान है, मगर इसे पर्यटन क्षेत्र का स्थान दिया जाएगा तो समाज के लिए खतरा हो सकता है। वर्तमान में जो तीर्थराज सम्मेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किया है झारखंड सरकार ने, इसके लिए हम सब जैन समाज बहुत दुखी हैं। जैन धर्म का शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है वो। वर्तमान काल के 20 तीर्थंकर मोक्ष उधर से गए 24 में, परंतु अनादिकाल से अनंत भगवान ने उधर से मोक्ष गया है। हर एक कण कण उधर पवित्र हैं, इसलिए ऐसे पवित्र क्षेत्र में जो हिंसा हो रहा है, बौद्ध पूर्णिमा के दिन उधर शिकार किया जाता है, ये हमारे धर्म के लिए बहुत खतरा है। और हमारा धर्म अहिंसा का प्रदान रखते हैं। अब देखते हैं भारत का जो स्वतंत्र हुआ वो अहिंसा के बल पर भी हुआ है, और अहिंसा धर्म जो जैन धर्म का संस्कृति है एक धर्म के लिए सीमित नहीं है, ये वर्ल्ड के लिए है। भारत का जो स्वतंत्र है और भारत का जो संविधान है ये सब अहिंसा के बल पर ही निर्माण हुआ है। इसलिए हमारा ये भावना है जो पर्यटन स्थल घोषित गया है शीघ्रातिशीघ्र उसको वापस ले ले और हमारा पवित्र सिद्ध क्षेत्र सम्मेत शिखर जी को पवित्र जैन सिद्ध क्षेत्र घोषित करे। हमारा धर्म का जो लक्ष्य है पूर्ण सिद्धांत है अहिंसा, वो अहिंसा को बचाए। अगर अहिंसा रहा तो भारत रहेगा, अगर भारत नहीं रहे तो विश्व में बहुत खतरा है। इसलिए हमारा ये भाव है, ये भारत का संस्कृति अहिंसा संस्कृति है, आध्यात्म संस्कृति है, श्रमण संस्कृति है। इसलिए हमारा ये लक्ष्य है इस सम्मेत शिखर जी को पवित्र सिद्ध क्षेत्र घोषणा करे शीघ्रातिशीघ्र। अगर नहीं किया तो अहिंसा को कमजोर मत समझो, हम अहिंसावादी होकर भी क्षत्रिय हैं, महावीर भगवान के वंशज हैं, हम वीर हैं। इसलिए हम धर्म की और देश की हमारा संस्कृति रक्षा करने के लिए हाथ में तलवार भी लेकर हमारा भक्त लोग युद्ध करके हमारा जीत करेगा। इसलिए ये अन्याय को हम कभी नहीं सहन करेंगे। शीघ्रातिशीघ्र इस कार्य में केंद्र सरकार एंट्री होके इसको हमको निर्णय दे। सकल जैन समाज राष्ट्रीय संयोजिका ऋचा जैन से हमारी टीम ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया तो यहाँ होटल खुलेंगे, वहाँ नॉनवेज परोसा जाएगा, साथ ही लोग पर्यटन क्षेत्र के हिसाब से वहाँ आएंगे। आज की जो प्रेस वार्ता है श्री दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत, इस प्रेस वार्ता की सबसे बड़ी हमारे मन में जो दुविधा है, क्योंकि सम्मेत शिखर जी जो झारखंड में स्थित है, मधुबन के गांव के नाम से उसे जाना जाता है, और वहां पे झारखंड सरकार ने एक नियम ला दिया है कि वहां वाइल्ड लाइफ में उसको घोषित किया, मतलब टूरिस्ट प्लेस उसको घोषित कर दिया है। और टूरिस्ट प्लेस घोषित होने की वजह से हम सबकी विडंबना ये है कि जैसे आचार्य श्री ने अभी आपको मार्गदर्शन किया कि हम सबकी लाखों जैन भाई बहनों की एक ही विडंबना है कि यदि टूरिस्ट प्लेस हुआ तो वहाँ रिसोर्ट बनेंगी, वहाँ नॉनवेज फूड सर्व किया जाएगा, लोग जूते चप्पल पहन के ऊपर पर्वत पे चढ़ेंगे, और जितनी भी अनलीगल एक्टिविटीज़ हैं जो धार्मिक क्षेत्र पे नहीं होती हैं वह सब वहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। और हम लोग सब इसका जोर कर रहे हैं, कल लोकसभा स्पीकर से भी हमारी सारी जो राष्ट्रीय संगठन है वो सब मिली, श्री दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी मीटिंग की, सभी ने मीटिंग की और हमको वहाँ से संतावना मिली है। पर फिर भी हम यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और झारखंड गवर्नमेंट से और नरेंद्र मोदी जी से ये निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे जैन समाज को बचाएं। और जैसे कि आपने वैष्णो देवी और बारी तीर्थ क्षेत्र को आप हमेशा तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, तो हम जैन पे ये अपेक्षित क्यों? हम जैन सब एक हैं, और जैन सितंबर दिगंबर न तेरा पंथी न स्थानक वासी, हम सकल जैन समाज आपसे ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द उसको धार्मिक तीर्थ क्षेत्र घोषित करें। और धार्मिक तीर्थ क्षेत्र की जो मान्यता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की अनलीगल एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए, वह एक निर्देश गजट में निकालें, ये निवेदन हम आपसे करते हैं। यदि निवेदन को स्वीकृति नहीं हुई तो जन आक्रोश अहिंसा में आक्रोश में बदल जाएगा, तो आक्रोश मत होने दीजिए, क्योंकि सभी जगह संविधान चल रहे हैं, नागपुर में भी अभी संविधान सत्र चालू होने वाला है, तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जैन समाज किसी भी तरह से आक्रामक हो। आप यदि नॉर्मल मान जाते हैं तो हम सब आपके साथ हैं, और आप हमको जल्द से जल्द ये निर्णय दें। सादर जय जिनी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़ नागपुर।